हे गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए हम पहले उसका वीडियो देखते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया की हुई घोषणा, ये खिलाड़ी करेंगे कप्तानी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में अब सफर खत्म हो चुका है, नामीबिया को बड़े अंतर से हराने के बाद भी टीम इंडिया रन रेट के मामले में तो सबकी बाप निकली, लेकिन अंक कम होने की वजह से मात खा गई। हालांकि अब भारतीय टीम का नया मिशन शुरू हो चुका है। टीम इंडिया को बार बार रुलाने वाला न्यूजीलैंड इस बार खुद भारत में खेलने आ रहा है, जहां पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को ऐसा जख्म देने वाली है जिसे कीवी टीम चाहकर भी नहीं भूल पाएगी। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड से बदला लेने के लिए टीम इंडिया तैयार है। इस सीरीज की शुरुआत 17 नवंबर से 3 T20 मैच के साथ शुरू होगी, जिसके लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और साथ ही नया कप्तान की भी घोषणा कर दी गई है। दोस्तों आपको बताएंगे टीम इंडिया का नया कप्तान और भारतीय टीम की पूरी प्लेइंग 11 बताने वाले हैं, जहां पर बड़े दिग्गजों की वापसी इस बार BCCI ने कराई है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वही अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया न्यूजीलैंड से मिली हार का बदला ले, तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2021 के आखिरी लीग मैच में टीम इंडिया ने नामीबिया को 9 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी थी, लेकिन टीम ने जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। दोस्तों अब भारतीय टीम वर्ल्ड कप को भूलकर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें न्यूजीलैंड की टीम 15 नवंबर को भारत पहुंचेगी। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम भारत में 3 मैचों की T20 सीरीज और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। 3 मैचों की T20 सीरीज पहले होगी। 17 नवंबर को दोनों टीमें जयपुर के मैदान पर आमने सामने होंगी, जहां पर पहला T20 मैच खेला जाएगा। वही दूसरा T20 मैच 19 नवंबर को रांची में होगा, जबकि आखिरी मैच 21 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों टेस्ट सीरीज का आगाज होगा। पहला टेस्ट 25 से 29 नवंबर तक कानपुर में खेला जाएगा। वही दूसरा टेस्ट 3 से 7 दिसंबर तक मुंबई में होगा और यहीं से न्यूजीलैंड का भारत दौरा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अभी T20 मैच के लिए BCCI ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है, जहां पर कई बदलाव देखने को मिले हैं। शिखर धवन और युजवेंद्र चहल की इस बार T20 में वापसी हुई है, तो वेंकटेश अय्यर को भी शामिल किया गया है। तो T20 के लिए नई भारतीय टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा, गेल राहुल, विराट कोहली, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, शिखर धवन, वेंकटेश अय्यर, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत। वही गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। वही दोस्तों इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है। अब भारतीय टीम रोहित की कप्तानी में ही न्यूजीलैंड से भिड़ेगी, जबकि उपकप्तान KL राहुल इस तरीके का वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके का वीडियो लाते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो गाइस इस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके वहाँ भी डायरेक्ट देख सकते हैं और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।